Good morning students. Today we are going to start a new chapter of computer 6 जो कि related है पावर पॉइंट से. ओके, पावर पॉइंट क्या होता है? आपने अब तक वर्ड के बारे में पढ़ा था, एमएस वर्ड के बारे में. अब हम पढ़ेंगे एमएस पावर पॉइंट के बारे में. पावर पॉइंट में क्या होता है? आप जो भी कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो, अब प्रेजेंटेशन क्या होती है, सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होता है कि प्रेजेंटेशन क्या होती है. प्रेजेंटेशन एक वो कलेक्शन होता है जिसमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, टेक्स्ट होते हैं, वीडियोस होते हैं. इन सबको मिक्स करके जो एक क्लिप रेडी की जाती है, वीडियो शो रेडी किया जाता है, उसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं. एंड आजकल तो काफ़ी सारे बच्चे इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं. आप लोग भी बर्थडेज के, पार्टीज के, मैरिज के, इनके जो वेडिंग इन्विटेशन वगैरह होता है उसके लिए प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं, राइट? अभी प्रेजेंटेशन जो होता है ये किससे, कौन से सॉफ्टवेयर से रेडी होता है, आप कंप्यूटर में अगर ये बना रहे हो तो इसके लिए आप यूज़ में लेते हो पावर पॉइंट ऐप, ठीक है ना? पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो होता है आप उसकी हेल्प से करते हो. तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में पावर पॉइंट जो है उसे ओपन करते हैं. तो पावर पॉइंट को किस तरीके से ओपन किया जाता है ये आज हम पढ़ेंगे. सो सबसे पहले आपको पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा. आपकी कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है उसमें जो कॉर्नर में स्टार्ट बटन दिया हुआ है, आप सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? उसके बाद में जब स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जो एमएस ऑफिस वाला ऑप्शन आता है उससे, या फिर डायरेक्ट जहां पावर पॉइंट लिखा होता है, आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपकी जो पावर पॉइंट विंडो है वो आपके सामने शो हो जाएगी. जब पावर पॉइंट विंडो आपके सामने शो हो गई है तो उसके बाद आप क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन. अब आपको कोई न्यू प्रेजेंटेशन जो अपनी रेडी करनी है उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन होती है उसे चूज करना होगा. ओके, चूज अ टेम्पलेट फॉर योर प्रेजेंटेशन. अब जब आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज कर ली उसके बाद में कोई भी टेम्पलेट आपको जिस भी ओकेजन से रिलेटेड अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, वो टेम्पलेट चूज कर जब आप ओके कर देंगे तो आपकी जो विंडो है डेस्कटॉप है उस पर, जो पावर पॉइंट विंडो है उस पर आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो शो हो जाएगा जिसमें आपको आपकी प्रेजेंटेशन बनानी है. तो ये था कि किस तरीके से आप पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं. एंड पावर पॉइंट का स्टार्ट करने के जो ये स्टेप्स हैं, इसके अलावा आप डायरेक्ट जो शॉर्टकट कीज होती है उसकी हेल्प से भी अपनी पावर पॉइंट विंडो को ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रेस विंडोज प्लस आर की टुगेदर टू ओपन द रन कमांड एंड टाइप पावर पॉइंट. द पावर पॉइंट विंडो इज ओपन, ये एक शॉर्टकट की है. विंडो के साथ जब आप आर, जो आर लेटर वाली की होती है, उन्हें जब आप एक साथ प्रेस करेंगे तो उससे रन कमांड ओपन हो जाएगी और वहां पर जब आप पावर पॉइंट लिखेंगे तो डायरेक्टली आपकी जो पावर पॉइंट विंडो है वो ओपन हो जाएगी. तो ये पावर पॉइंट विंडो को ओपन करने का शॉर्टकट तरीका था और जो इसके स्टेप्स हैं ये मैंने आपको बता दिए थे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक कीजिए. स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में आप एमएस ऑफिस पे जाकर भी पावर पॉइंट को ऑन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. और इसके अलावा आप जो डायरेक्ट पावर पॉइंट का अगर ऑप्शन सामने आता है तो आप उसे चूज करेंगे. और आफ्टर दिस यू सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जो भी ब्लैंक प्रेजेंटेशन का जो पेज है उसे सिलेक्ट करके आप अपनी जो भी टेम्पलेट आपको चूज करना है उसे चूज करेंगे तो आपके सामने आपकी पावर पॉइंट विंडो उस टेम्पलेट से स्टार्ट हो जाएगी जिसपे आपको काम करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.